हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को संगीता से रेसिपी में स्वागत है। मैं आप लोगों को माइक्रोवेव में आलू को 5 मिनट में बॉईल करके बता रही हूँ। भुजिया बनाने की प्रक्रिया इस तरह से, आप छोटे छोटे टुकड़ों में आलू को काट लें और पानी में इसे धोकर साफ सुथरा से कर लें। आलू को मैं एक पोलोथीन में डालूंगी, इस तरह का आप एक पोलोथीन ले लीजिएगा और इसमें ये सारे आलू को डालकर माइक्रोवेव में 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। मैंने माइक्रोवेव को ऑन कर दिया है और इस पोलोथीन में रखे हुए आलू को जब तक कि आलू सीज ना जाए आपको माइक्रोवेव में थोड़ी थोड़ी देरी में खोल कर देखना होगा कि हमारा ये आलू बॉईल हुआ है या नहीं। इधर मैं माइक्रोवेव में आलू को अच्छी तरह से बॉईल कर लेती हूँ। माइक्रोवेव अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। माइक्रोवेव से समय की बचत होती है। कामकाजी महिलाएं इस तरह से खाना बहुत ही कम समय में बना सकती हैं। यदि आपका आलू यदि बॉईल माइक्रोवेव में हो जाता है तो इसे निकाल कर तुरंत हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आपको देखना होगा यह आलू बॉईल हुई है नहीं। बॉईल हो चुकी है लेकिन पूरा अच्छी तरह से नहीं हुआ है। देखिए, थोड़ा और इसको करना है, और 5-10 मिनट के लिए सेट कर दे रहे हैं। देखिए, हमारा आलू बॉईल हो चुका है। अब मैं इसे तुरंत फ्राई कर सकती हूँ। मेरा फ्राई पैन गर्म हो चुका है, मैं इसमें ओली ऑयल डाल रही हूँ। जीरा और मेथी प्लस मिर्चा और गोलकी का भुगनी, फ्राई पैन मेरा गर्म हो गया है, मैं इसमें कुछ जीरा ऐड कर रही हूँ, मेथी दाना, मिर्चा, और ये बॉईल किया हुआ आलू को मैं डालूं। स्वाद अनुसार हल्दी, नमक, आपके पास यदि मैगी मसाला हो तो शॉर्टकट में आप इसे भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, जीरा पाउडर थोड़े से, मिर्ची पाउडर,
गुलकी पाउडर। मैं घर में ही बने हुए मसाले को यूज करती हूँ और इसे फ्राई कर लेती हूँ। दो चार बार इसे चलाने के बाद आलू भुजिया तैयार हो गया है। आप कम समय में बना सकती हैं। फिल्म को पूरा ताव देना है। आप लोग जितना ऑयल खाना चाहते हैं कम में भी बन जाएगा और ज्यादा में भी। ये दिखाने का एक ही मकसद है हमारा कि समय की बचत हो। आप लोग काम वाली महिला लोग अच्छा तरह से कर सकती हैं ये काम। गरम गरम पराठे के साथ आप इसे सर्व कर सकती हैं। देखने में भी लज्जेदार लग रहा है। माइक्रोवेव के द्वारा मैं ये भुजिया बनाई हूँ। आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह आपको डेमो दिखाते रहूँगी माइक्रोवेव कर, और साथ में भुजिया बनाने की विधि भी बता दी हूँ। थैंक यू।